नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय खड़ा हूँ आलमनगर स्टेशन पर और आज के वीडियो में बात होगी आलमनगर स्टेशन पर चल रहे कार्यों पर। और यदि आप पहली बार हमारी चैनल पर आ रहे हैं तो रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आलमनगर रेलवे स्टेशन से, क्या कुछ हो रहा है यहाँ देखते हैं इस वीडियो में। तो हम आ पहुँचे हैं अब आलमनगर स्टेशन पर। लखनऊ बरेली रेलखंड पर पड़ता है ये, और ट्रांसपोर्ट नगर से जो लाइन आ रही है दोहरीकरण होते हुए जिसका काम चल रहा है, पूर्व में मैंने वीडियो आपको दिखाया था, वो यहीं आलमनगर पर आगे यहाँ पर मिलाई जाएगी इस तरफ, इस दिशा में, और यहाँ पर और ट्रैक्स डाले जाएंगे। तो अभी हम आपको करीब से भी दिखाएंगे दूसरी तरफ का व्यू। सामने वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली में बैलास्ट जा रहा है और नए जंक्शन बॉक्सेस वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सामने की दिशा में, जिसको भी हम आपको करीब से भी दिखाते हैं चल करके। और गुड्स ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर काफ़ी सारी गुड्स ट्रेन जो है वो खड़ी हो जाती हैं आकर के, जब चारबाग में लाइन क्लियर होती तो फिर यहाँ से आगे जाती हैं। और यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, तो वही सामने आप जो ये पैदल पुल देख रहे हैं नया बनाया गया है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर भी ट्रैक्स आएंगे, ये अभी सब खोदा जाएगा। और ये पैदल पुल नया बनकर तैयार हो गया है यहाँ पर आलमनगर स्टेशन पर। देखिए किस प्रकार से हरे रंग की यहाँ पर छत लगी हुई है ग्रीन कलर में, और ये प्लेटफॉर्म पर यहाँ उतर रहा है पैदल पुल, और ये फिर बाहर इस तरफ आप देख सकते हैं इसको उतारा गया है। ये नया पैदल पुल तैयार हो रहा है, इसका निर्माण चल रहा है, और पैदल पुल के ऊपर से भी हम आपको व्यू दिखाते हैं। एक आगे भी पैदल पुल तैयार हो रहा है और नई बिल्डिंग आलमनगर स्टेशन की तैयार की जा रही है यहाँ पर। और मालगाड़ी के लोको पायलट्स यहाँ पर बदले जाते हैं आलमनगर स्टेशन पर। इधर सामने हमारी काकोरी की दिशा हो जाएगी बरेली की दिशा, और इधर हमारे लखनऊ चारबाग की दिशा है। यहाँ पर ये स्टॉपर वगैरह लगा हुआ है, आप लाइन देख रहे हैं, भी सब यहाँ कबाड़ ढेर है, इधर ढेर सारा झाड़ झंकाड़। ये ठोकर लाइन यहाँ पर एक आ रही है इस दिशा से, क्योंकि यहाँ पर आगे देखिए प्लेटफॉर्म आ जाता है फिर आलमनगर का। तो हम आपको अभी करीब से दिखाते हैं और आगे दिखाते हैं क्या प्रोग्रेस चल रही है आलमनगर स्टेशन पर। इधर इसके दाएं हाथ पे रेलवे कंज्यूमर डिपो, ऑयल डिपो वगैरह है। तो आप देख सकते हैं एक मालगाड़ी यहाँ पर आ गई गुड्स ट्रेन, और पैदल पुल के ऊपर से हम आपको व्यू दिखाते हैं अभी। ये फुट ओवर ब्रिज है, देखिए आलमनगर स्टेशन का नया जो फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है लखनऊ की दिशा में, आप कह सकते हैं लखनऊ साइड, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जीना यहाँ तैयार हो गया है, इस पे ऊपर छत भी लग गई है, आप देख सकते हैं हम ऊपर चल रहे हैं अभी पैदल पुल के ऊपर से, आपको व्यू दिखाते हैं। ये नया पैदल पुल बना है पूरा, ये आप देख सकते हैं, ये बाहर आपको उस साइड उतारेगा, और काफ़ी अच्छा पैदल पुल बनाया गया है चौड़ा। अब ये पैदल पुल के ऊपर से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर और प्लेटफॉर्म्स का निर्माण होगा,
और जो मटेरियल यूज्ड होता है प्लेटफॉर्म के निर्माण में ठोकर से शुरू होता है। पीछे आप वहाँ पर देख रहे होंगे, नीचे सारा सामान सामने देखिए रखा हुआ है और सामने की तरफ बिल्डिंग जो बन रही, कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसका, नई बिल्डिंग, ये सारी बिल्डिंग आप देख सकते हैं तैयार हो रही है आलमनगर स्टेशन पर। और आलमनगर स्टेशन को एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है ताकि बहुत सारे लोग जो पुराने लखनऊ में विशेषकर रहते हैं राजाजीपुरम के आसपास, तालकटोरा जो है हमारा एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया भी है और यहाँ से आरडीएसओ की दिशा में भी आप जा सकते हैं बाहर ऑटो करके फ्लाईओवर से, तो यहाँ से जितनी भी सवारियाँ आपको आलमबाग साइड जानी है या राजाजीपुरम की दिशा में जानी है तो वो यहाँ उतर सकती हैं, यहाँ से ट्रेन कैच कर सकती हैं। तो इसके लिए भी ये सैटेलाइट स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर। और ये पैदल पुल आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बन गया है, काफ़ी बड़ा और चौड़ा स्पेस है ऊपर काफ़ी सारी। और इधर हमारी लखनऊ की दिशा हो जाएगी। ये खाली देखिए कोयले की वैगन है जो खाली होकर के आई हैं, अब आसमान में अब बादल आ गए और यहाँ पर अभी इसमें सुरक्षा जालियाँ भी लगाई जानी बाकी है, वो सब चीज़ें भी लगेंगी, यहाँ पर थोड़ा काम बाकी है अभी। और इधर आप देख सकते हैं फिर ये दो गुड्स ट्रेन यहाँ पर और खड़ी हैं क्योंकि गुड्स साइडिंग है यहाँ पर पूरी, हमारा जितना भी माल आता है लखनऊ में जो व्यापारियों का वो यहाँ उतरता है या अमौसी पे उतरता है, जो कानपुर रूट से आती हैं ट्रेन्स, मालगाड़ियाँ माल लेकर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़िलहाल ये तीन प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। एक प्लेटफॉर्म पुराना वाला उधर है और दो प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये हैं और अब पाँच हो जाएगी शायद संख्या इनकी बढ़ करके, क्योंकि उधर दो प्लेटफॉर्म और आएंगे इस दिशा में। तो ये आलमनगर स्टेशन के नए वाले पैदल पुल से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं और आगे चलते हैं वहाँ पर और भी, अब जो नया पैदल पुल एक और बन रहा है उसको हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ट्रेन्स रुक जाती हैं, सिग्नल का इंतज़ार कर रही हैं, जब ग्रीन सिग्नल होगा यहाँ से तब फिर आगे जाएंगी और ये शायद ट्रांसपोर्ट नगर की दिशा से निकाली जाएंगी। यहाँ से आगे जब जाएंगे तो दाहिने हाथ पे लाइन ट्रांसपोर्ट नगर स्टेशन की तरफ जाएगी। ये दूसरा वाला पैदल पुल है जो कि काकोरी की दिशा में, बरेली की दिशा में बन रहा है और ये भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, जिसके बाद यहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स रखे हुए हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं वहाँ पीछे पुल के पीछे, और नए जंक्शन बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्स और डाले जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ ट्रैक्स भी बढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म भी बढ़ेंगे यहाँ पर। और इसके बाद एक सफ़ेद रंग की आपको बिल्डिंग दिख रही होगी जो कि नया कंट्रोल रूम वगैरह सब यहाँ पर अब बन जाएगा जब ट्रांसपोर्ट नगर वाली लाइन लिंक हो जाएगी, जंक्शन हो जाएगा आलमनगर। और पेंट वगैरह का काम चल रहा है, देखिए सिल्वर पेंट अभी इस तरह आगे की तरफ रह गया करना, पेंट अभी पेंट होगा ये। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नई बिल्डिंग पूरी तैयार हो रही है आलमनगर की पुरानी बिल्डिंग के सामने स्टेशन के, पूरा ये तैयार हो रहा है स्ट्रक्चर। तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है क्योंकि एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में अब आलमनगर को डेवलप किया जाएगा, जिससे तमाम प्रमुख रेलगाड़ियों का ठहराव यहाँ भी होगा और बहुत सी रेलगाड़ियाँ जो अब चारबाग नहीं जाएंगी भविष्य में, उनको ट्रांसपोर्ट नगर होकर के निकाला जाएगा, तो उनका ठहराव आलमनगर होगा, जिसके बाद रेलगाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए उतरेटिया होकर के आगे अपना सुल्तानपुर की दिशा में या रायबरेली की दिशा में जाएंगी। और काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, जैसा आप देख सकते हैं कितनी
लंबी बिल्डिंग बन रही है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और आरपीएफ ने भी जगह जगह लिख रखा है यहाँ पर बैठना सख्त मना है। जंक्शन बॉक्सेस के आप देख रहे हैं अभी कुछ डिब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं सामने। तो काफ़ी तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ताज़ा सूरत हाल जो है आलमनगर स्टेशन का वो हम आपको दिखा रहे हैं ट्रेंस एंड ट्रेवल पर। ये लखनऊ की दिशा में देखिए कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर ढेर सारे रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ ट्रैक्स हैं उनको बढ़ाया जाएगा, वो डाले जाएंगे। तो यहाँ पर अभी रेलबेड बनाने का कार्य जो है वो चल रहा है, तमाम सारी मिट्टी भी आ रही है, मिट्टी पटान भी हो रहा है और जो ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से यहाँ पर कॉन्क्रीट के स्लीपर्स हों, बैलास्ट हो आगे छोटी वाली गिट्टी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का सामान है वो निरंतर आता जा रहा है। और ये जो ट्रेन जा रही है ये आगे ट्रांसपोर्ट नगर की दिशा में निकल जाएगी, फिर लखनऊ की दिशा की तरफ जा रही है ये। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो जंक्शन बॉक्सेस वगैरह हैं ये सब शिफ्टिंग होगी और अभी ये जो कच्चा रास्ता जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रैक्स बढ़ाए जाएंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म यहाँ पर और बढ़ाए जाएंगे आलमनगर में। तो ये था आलमनगर स्टेशन से एक बड़ा कवरेज, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।